Hello, hi, all the wonderful people watching my YouTube channel Pooja Upadhyay All in One right now. आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो दोस्तों आज मैं जा रही हूँ वलसाड की यात्रा की ओर. वलसाड में टोटल 5 ऐसी बेस्ट प्लेसेस हैं जहाँ आप घूम सकते हैं और उसे घूमने में टोटल 5 से 6 घंटे लग जाते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो कौन सी बेस्ट 5 प्लेसेस हैं जहाँ आप घूम सकते हैं अगर वलसाड आ रहे हैं. तो देखिए दोस्तों, अगर आप इन पांचों जगह घूमना चाहते हैं और कोई प्राइवेट ऑटो या फिर कार करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 700 से 1000 के बीच रहते हैं और इसमें आपको ये 5 जो मेन प्लेसेस हैं वहां कोई भी घुमा सकता है. तो सबसे पहले हम जिस जगह जा रहे हैं वो है विश्वंभरी माँ का मंदिर. क्या बोल रहे हैं? ये मंदिर 90 दिन के अंदर बन गया. माता पाठशाला, अच्छा, और गोवर्धन पर्वत, अच्छा, सिर्फ 90 दिन में बन गया. बन सकता है. कितनी सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए मंदिर में? इसमें केवल 17 पगथिया है जो अच्छा जीवन में उतारने के लिए, अच्छा, जीवन का मोक्ष पाने के लिए 17 पगथिया उसका स्टेप लिखा हुआ है, वो भी आप शूटिंग कर लेना. ओके, थैंक यू. इस मंदिर में एंट्री के हर व्हीकल के डिफरेंट चार्जेस हैं और एंट्री में ही मुझे पता चला कि ये 90 डेज मतलब 3 महीने में मंदिर बना है. लेकिन आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड कि जब मैंने मंदिर की सुंदरता को देखा, भव्यता को देखा, तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पाई कि 90 दिन में मंदिर बना है. इतनी सुंदरता से बना हुआ मंदिर है, इतनी बेहतरीन तरीके से इसे मेंटेन किया गया है कि एक बार देखने के बाद आप भी ज़रूर सोचेंगे कि इसको बनाने वाले कलाकार कितने ज़बरदस्त होंगे. दोस्तों इस मंदिर का जो प्रांगण है, जो क्षेत्रफल है, एरिया बहुत ही विशाल है और सभी तरह की फैसिलिटीज़, खाने पीने की सुविधाएं भी यहां पर उपलब्ध है. तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ विश्वंभरी तीर्थ यात्रा धाम मंदिर की सुंदरता का नज़ारा. तो देखिए दोस्तों, ये है मंदिर के बाहर की सुंदरता का नज़ारा. अंदर मंदिर के अंदर जो है विश्वंभरी माँ की प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर अंदर से मंदिर है. उसके साथ साथ यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर है, उनकी पूरी गुफा है. जाने के लिए आपको स्टार्टिंग में ही मुझे जिन पर्सन ने बताया था कि यहाँ पर 17 पगथिया मतलब 17 सीढ़ियाँ हैं मंदिर तक जाने की और उन सभी सीढ़ियों में कोई ना कोई सीख, सहनशीलता, पवित्रता, महानता, ऐसी 17 सीख दी हुई हैं जिसे अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और सुखमय बना सकते हैं. दोस्तों इस मंदिर की सुंदरता के साथ साथ एक और बहुत ही अनोखी बात इस मंदिर में मैंने जो देखी वो ये है कि पूरे मंदिर में हर जगह, चाहे वो दीवारें हों, पेड़ हों, वहाँ पर कोई ना कोई एक सीख जो है वो टंगी हुई हुई है. मतलब कोई ना कोई कोट लगा है, संदेश लगा हुआ है. बहुत अच्छे अच्छे संदेश हैं जिसे आप ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी इंस्पिरेशनल है, प्रेरणादायक है और कुछ ना कुछ संदेश हमें देते हैं. इसके अलावा यहाँ पर गोकुल धाम भी है जिसमें किस तरीके से श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव वालों की रक्षा की, उसकी प्रदर्शनी और भी बहुत सारी प्रदर्शनी है जो आप देख सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पर वैकुंठ धाम पंचवटी भी है जिसमें बहुत ही सुंदर गौशाला है. दोस्तों इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि जितनी क्लीनिनेस के साथ, जितने अपनेपन और प्रेम के साथ यहाँ पर गाय को टेक केयर किए जाती है वो सच में देखने लायक है. हर गाय को एक सुंदर सा नाम दिया गया है, उनकी लोकेशन फिक्स है, इवन गाय भी जानती है कि उन्हें कहाँ खड़ा होना है. बहुत ही अच्छे तरीके से मनुष्य से भी ज़्यादा प्रेम और अपनेपन के भाव के साथ यहाँ पर गौशाला में गाय को रखा जाता है, जिसे देखकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आई. आप भी इसे ज़रूर देखिएगा. तो अब हम विश्वंभरी तीर्थ यात्रा धाम की यात्रा करने के बाद निकल रहे हैं पानेरा डूंगर, जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में है और काली माता का मंदिर है, काफ़ी ऊंचाई में स्थित है. तो अब हम वहाँ जा रहे हैं. तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ पानेरा डूंगर.
इसका नाम ही डूंगर इसलिए पड़ा है क्योंकि डूंगर का मतलब गुजराती में होता है पर्वत, तो काफ़ी ऊंचे पर्वत श्रृंखला में ये मंदिर स्थित है, इसलिए इसका नाम पानेरा डूंगर रखा गया है। मंदिर तक पहुंचने में दोस्तों लगभग 500 से 600 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और कुल 25 से 30 मिनट लग जाते हैं चढ़ने में। और ऊपर जो है शिव भगवान का मंदिर, हनुमान जी का और काली माता का मंदिर है। मंदिर तो बहुत सुंदर है, काफ़ी प्राचीन भी है। इसके साथ साथ जो ऊपर से पूरे वलसाड़ का व्यू दिखाई देता है वो भी बहुत सुंदर और मेस्मराइजिंग है। पानेरा डूंगर के दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ पर वलसाड़ में जो बीच है जो काफ़ी फेमस है जिसका नाम है तीथल बीच। वहाँ जा रहे हैं, शाम के लगभग 7 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं तीथल बीच की ओर। तो देखिए दोस्तों ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये है तीथल बीच का दृश्य, शाम को ढलते हुए सूरज की नारंगी ऑरेंज कलर की किरणें जो इस बीच पे पड़ रही हैं आप देख सकते हैं ये कितना गोल्डन दिखाई दे रहा है। हालांकि इस समय इस बीच पे पानी नहीं है लेकिन जो सूरज की किरणें इस बीच पे जो पड़ रही हैं उससे ये बिल्कुल गोल्डन दिखाई दे रहा है और आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू कि हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। जितना आप इस वीडियो में देख रहे हैं उससे भी सुंदर ये दृश्य देखने लायक है। चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी, एंडलेस मिट्टी, गोल्डन कलर की एंडलेस मिट्टी दिखाई दे रही है। जैसे एंडलेस स्काई होता है, एंडलेस सी होता है, वैसे ही ये एंडलेस बीच दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो दोस्तों तीथल बीच की सुंदर यादों को कैप्चर करने के बाद पड़ोस में ही स्वामीनारायण मंदिर है। ये देखिए यहाँ पर हम लोग गए, बिल्कुल जैसे आप स्वामीनारायण मंदिर देखते हो वैसे ही मंदिर है, वैसी सुंदर इसमें नक्काशी की गई है। खाने पीने की भी सुविधा है, हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई थी हमारे पहुँचने तक, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन करने के बाद और कुछ खाना जो है यहाँ के रेस्टोरेंट में जो स्वामीनारायण खिचड़ी बहुत फेमस है उसे पैक करवा कर हम लोग अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं जो है साईं बाबा का मंदिर। लगभग रात के 8 से 8:30 बजे हम लोग साईं बाबा मंदिर पहुँचे और देखिए दोस्तों ये है साईं बाबा मंदिर। काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया मंदिर है, बहुत ही भव्य इसका प्रांगण है। खाने की भी यहाँ पर सुविधा है, कैंटीन है और इवन रहने की भी यहाँ पर सुविधा दी गई। तो इस तरीके से साईं बाबा का आशीर्वाद देकर अब हम अपने होटल की ओर निकल गए हैं। तो पहुँचते पहुँचते हमें रात के 9 बज गए थे और डिनर करने के बाद स्वामीनारायण खिचड़ी और पाव भाजी करने के बाद अब हम आराम कर रहे हैं। आज की यात्रा बहुत ही अच्छी रही। तो आप वलसाड़ आ रहे हैं तो इन 5 जगह ज़रूर घूमिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।